पर जा रहे हो। अरे क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? तुम्हारे सपने में ब्रो, ये ट्रिप तो सिर्फ प्लीज मुझे ले चलो, इस ट्रिप पर जाना मेरा एक सपना है, मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, प्लीज ले चलो। अच्छा ठीक है, तुम खुद ही ढूंढ लो। हाँ ओ, लड़कियों ये बहुत रोमांटिक है कि हम इसे भी साथ ले चले। लेकिन ये फिट होगा कहाँ पर, कार में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये अच्छा आइडिया है। हाँ बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। अरे ये क्या इतनी जल्दी डेस्टिनेशन आ गया, मुझे तो लगता है कहीं और लाके छोड़ दिया हमें। सीरियसली जैक, तुम चुप रहो। सच में तुम हेल्प करने की कोशिश तो कर सकते हो? हाँ तो बताओ करना क्या है मुझे। टायर फट गया है। ओहो, अब पंचर कहाँ से बनवाएंगे? लो मैं आ गई। हमारा टायर फट गया है। और वैसे तुम कौन हो, चली जाओ यहाँ से। मैं हूँ मिया, सोचा कुछ मदद चाहिए तुमको, पर अगर नहीं चाहिए तो। सुनो रुको जरा, रुको। ए, सुनो उसे जाने दो, तुम क्या कर रही हो? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हेल्प लेने में क्या बुराई है? हाँ मैं टायर फिक्स तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए थोड़े खर्च करने पड़ेंगे। हाँ हमारे पास कैश नहीं है, सिर्फ कार्ड है। नो प्रॉब्लम, यहाँ जरा अपने कार्ड को स्वाइप कर दो। ओह माय गॉड, अरे वाह, भिखारियों की भी मशीन होती है। कितना? $300। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? ठीक है। ऑसम, चलो आ जाओ पीछे पीछे, जल्दी करो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मारे। अरे ये तुम कहाँ पे लेकर आई हो? कैसी विला में तुम लोगों का स्वागत है। क्या लोग सच में यहाँ रहते हैं? हाँ कभी कभी खोई हुई गायें यहाँ पे आ जाती हैं। क्या ये हमारी बात कर रही है? मुझे तो शक है। तो फिर उस टायर का क्या? बिल्कुल हमारे पास टायर्स हैं। लेकिन वो सारे लकड़ियों के हैं। क्या? ओके, लगता है कुछ दिनों के लिए आप यहीं पर अटक जाएंगे जब तक रबर का टायर नहीं मिल जाता आपको, राइट? हद है, हम तो घर पर ही ऑर्डर कर सकते थे ना। हा? अरे हाँ कुछ ही घंटे में यहाँ पहुँच जाता। अरे जाने भी दो लड़कियों, अपना मेंशन तो देख लो, रास्ते की थकावट की वजह से आराम हो जाएगा। आज के लिए बहुत हो गया। ठीक है लड़कियों चलो, कितना स्ट्रेसफुल दिन है। हेलो हे डूड, देखना नहीं चाहोगे कि हमारे क्रेजी विल में कैसी कैसी पार्टियां होती हैं? अरे बिल्कुल देखूंगा, वैसे भी पार्टी करना तो मेरा दूसरा पेशा बन गया है। तो फिर तैयार हो जाओ। चलो फिर। ये हवेली है, मुझे लगा कि वो सच बोल रही है। नहीं ये जगह तो भयानक है, वो तो मजाक था। ये क्या है, अजीब स्मेल है, पहले कभी ऐसी स्मेल नहीं आई। ये एक देहाती लाइफ की खुशबू है, एक फ्री बोनस। ओ लड़कियों यकीन नहीं होगा किसी ने फ्लोर पर चॉकलेट केक गिरा दिया है, आओ देखते हैं। चॉकलेट केक, वो भी अलग खुशबू के साथ। इसका एक्साइटमेंट खराब नहीं करते हैं, इसको समझने तो कि ये केक है। एलिस, केक तुम्हारी फिगर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। हम डाइट पर हैं, याद है? ओह हाँ, इसे देखकर मैं क्यों लज्जा रही हूँ। ये जगह गंदी है, हम यहाँ दो दिन कैसे गुजारेंगे? चलो ऐसा करते हैं, हम जल्दी से सो जाते हैं ताकि हमें गंदगी ना देखनी पड़े। तुम सही कह रही हो। तो तैयार हो? हम रेडी हैं। एक दो तीन। स्वीट ड्रीम्स। अरे ये करते कैसे यार, ऐसा डांस तो मैंने 100 जन्मों में भी नहीं देखा है। हाँ, ये क्रेजी विल की हमारी सबसे बेस्ट और बेस्टम पार्टी। बेस्ट नहीं, ये तो वर्स्ट पार्टी लग रही है मुझे। तो जैक क्या तैयार हो एक भूल न पाने वाले राज बताने के लिए? नहीं, बहुत से राजों से पर्दा पहले ही उठ चुका है, जो सोचा था उसका उल्टा ही हो रहा है क्रेजी गर्ल लैंड में। उससे भी ज्यादा, अब देखो मुझे।
अरे वाह, अरे खड़े क्यों हो जैक, चलो ना तो मेरे साथ। ठीक है ट्राई करता हूँ। क्या समझ नहीं आ रहा, इसे कंट्री फ्री स्टाइल कहते हैं। तो ज्यादा सोचो मत, बस ऐसे करो और एंजॉय। ये तो कमाल कर रहा है यार, मजा आ गया। ये ले, हां दे दो। कल तुम हमारे साथ ट्रैक्टर की भी सवारी करोगे। अरे ये तो ज्यादा ही हो गया, ट्रैक्टर वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। शानदार होटल चाहिए था, ये मुर्गी घर नहीं। अरे गाय का बाड़ा, ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस है। एक बार यहाँ से निकल जाए बस, मैं फिर कभी मच्छर या मुर्गी नहीं देखूंगी, मुझे इनसे नफरत है। चलो जल्दी से इन मच्छरों और इस मुर्गी से छिपते हैं। जल्दी से इस फोटोशूट सेटअप में हम हाँ छिपते हैं, शायद हमें ना ढूंढ पाए। हाँ लड़कियों, तुम्हारा कार रेडी हो गया है। फाइनली हम यहाँ से निकल पाएंगे। एक और दिन, अब तो मैं मुर्गियों से बातें करने लगूंगी। ओ कुको 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 कुको। लगता है तुमने पहले ही मुर्गियों की भाषा सीख ली है। उम्मीद है इसका मतलब होगा गुड बाय क्रेजी विले, है ना? तो चलो अब लौटते हैं। अरे लड़कियों देखो, हमें ऐसे ही यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमें मियाँ को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। क्या? वैसे उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं कभी क्रेजी व्हील से बाहर नहीं गई हूँ। ये देहाती लड़की यूरोप को नहीं झेल पाएगी। हाँ हाँ, इस शहर में बिल्कुल पागल हो जाएगी और हमें भी पागल कर देगी। मियाँ, हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ जगह नहीं बची है। बिल्कुल भी जगह नहीं है। लड़कियों हम ऐसे नहीं जा सकते। ओह जैक, जाओ कार्ड मेरे बैग से ले लो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ, इतना चिंता मत करो। बाय बाय। अरे बाप रे, कमाल लग रही हो मियाँ, बहुत बढ़िया। कहा था ना, मैं बिना टिकट के भी फ्लाई कर सकती हूँ। जैक तुम्हारे हो या नहीं? मुझे छुपना होगा। बस दो मिनट में आया। रुकना जरा, क्या हम यहाँ कोई एक्स्ट्रा सूटकेस लाए थे? मुझे नहीं लगता हमने इसे पैक किया था या किया था। अरे वो सूटकेस तो मेरा है, मैं लेके आया था, कुछ तो चाहिए ना साथ में। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, सूटकेस में हाथ पैर कब से होने लगे हैं? हाँ ये जो सूटकेस है ना, ये इम्पोर्टेड है, ये यहाँ पर नहीं मिलता, इसे इम्पोर्ट करना पड़ता है और इम्पोर्ट करने के बाद ही ये यहाँ अवेलेबल हो पाता है, तो यही कहानी। जैक तुम सच में हमेशा बकवास करते हो, क्या तुम्हारा सूटकेस सच में जिंदा है? एक्सक्यूज मी, आपके सामान में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। ठीक है तो मुझे अपने टिकट दिखाओ। ये लो मेरा, तुम दे दो अपना। फ्लाइट एंजॉय करना। शुक्रिया मैडम, चलो। कहा था ना ये प्लान काम करेगा। अरे हाँ काम तो बिल्कुल कर रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो सभी बिना टिकट आएंगे। चलो लेकिन हम तो कहीं और जा रहे थे ना। अरे यार तुम बेवकूफ हो, उस टायर के चक्कर में हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी और बस फिर हमने फ्रांस की फ्लाइट ले ली। ओह हाँ, और इटली यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। ओह नॉट बैड, बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने। अरे वाह, फ्रांस, सही कहा था सबने, शहर बहुत बड़ा होता है। सूटकेस में बात की। मिया तुम लोगों को हंसाने मजा दिलाने। अरे सूटकेस कॉस्ट्यूम, और नहीं तो क्या। वाओ ये वाकई शानदार है। पता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये मुझे पता था।
फ्रांस, मैंने सुना है यूरोप के सबसे हॉट लड़के यहीं पर हैं। ये क्या किटी, अगर तुम्हें लड़के ही देखने तो मैं भी तो एक लड़का हूँ, तुम मेरी तरफ भी तो देख सकती हो ना। वैसे जैक, तुम कोई लड़के नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। पता करना होगा फ्रेंच के लड़कों के बारे में सच है या नहीं। अरे यार, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? देखो, तुम एफिल टावर के पास मेरी फोटो लोगी, हम पेरिस में हैं। ठीक है, चलो। ठीक है चले जाओ, जब कोई फिरंगी तुम्हारा दिल तोड़ेगा ना, तब ये हिंदुस्तानी जैक याद आएगा। वाओ, सच में ये मूवी जैसा लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है बिल्कुल। ठीक है मियाँ, चलो अब हम दोनों अकेले, हम ही चल के मजे करते हैं। तो चलो चलो। इवा, वो देखो, ये हमारे सामने एफिल टावर है। मुझे लगा था कि ये बड़ा होगा, क्या ये वाकई असली है? बिल्कुल, ये असली ही है। वो देखो, जल्दी करो, सबके आने से पहले मेरी फोटो ले लो। क्या ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये एफिल टावर पर हमेशा बहुत भीड़ होती है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया है। ठीक है चलो, स्माइल। हाँ, ये कैसी है? ये बताओ, ये कैसी है? सुपर्ब, अब हम कह सकते हैं कि हम फ्रांस गए हैं और वहाँ पर एफिल टावर देखा है। अरे आजा एक सेल्फी लेते हैं। शानदार। अरे वो देख, फ्रांस में पिरामिड भी है। अरे चलो चलो और फोटोज लेते हैं। वाह, ये जगह लाजवाब है, तभी तो इसे प्यार की सबसे अच्छी जगह कहते हैं। बोंजोर मैडमोसेल। बोंजोर। ये बता जाने मन, क्या तू मेरे संग एफिल टावर का शानदार व्यू एंजॉय करना चाहेगी? मैं सोच रहा था क्योंकि तुझे मस्त नजारे दिखा दूंगा। मुझे पसंद आएगा। बस एक मिनट रुकिए, तू बैठिए देवी जी। वाह, क्या ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल यार, हम तुम्हारा ब्यूटी का टोस्ट करना चाहते हैं। तुम कितने स्वीट हो। इश्क और प्यार का मजा लीजिए मैडमोसेल। बाप रे, क्या बकवास है साला, वहाँ भी लाइन में थे, यहाँ भी लाइन में ही है। जैक, उस कूल बंदे को तो देखो जरा एक बार। अरे ये तो जोकर लग रहा है बस। उसके मूव्स कितने कूल है ना? मैं एक बार ट्राई करूँ उसे। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हे मिस्टर, क्या मुझे आप ये मूव सिखा सकते हैं? क्यों, तू मेरी रिश्तेदार है। मुझे अपने क्रेजी विल का स्टार बनना है। मैंने सालों तक इसकी ट्रेनिंग की है, तुझे क्या लगता है ये आसान है? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे ये कैसी हरकत है, जब हड्डी टूटती है ना तब भी ऐसे ही करते हैं। अरे नहीं, क्रेजी विल तो मेरा फर्स्ट लव है। कोई भी नहीं आया। इतने पैसे बटोर लो। ये मेरी जगह है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मौसी, अब वो देखिए, एक उड़ता हुआ पंछी। अरे बाप रे बाप, बड़ा मजा आया यार, पर धत तरीका, वो बदमाश मेरा सारा पैसा ले गया। बाप रे, किटी कहाँ पर होगी पता नहीं, और हम उससे पिछड़ गए एकदम। उसके अलावा हमारा यहाँ पर कोई है भी तो नहीं। वैसे हमें किटी को ढूंढना अभी जरूरी है। अरे बहुत जरूरी है, चलो पहले चल के उसे ढूंढते हैं। मैडमोसेल, लेमोर, जोजियोस, मोंचेर। ये कितना रोमांटिक है। एक मिनट, अरे यार हम एकदम भटक चुके हैं यहाँ पर यार। दफा हो जाओ यहाँ से, दिखता नहीं कि मैं डेट पर हूँ। अरे यार, वैसे हमारे सारे पैसे सड़क पर चोरी हो गए, अब हम क्या करें पता नहीं। ओह जैक, जाओ कार्ड मेरे बैग से ले लो। हाँ किटी, प्रॉब्लम वो तो है ही नहीं, तुम्हारा बैग भी जा चुका है अब। क्या मतलब? ओह, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? बॉयफ्रेंड से पहले ये सोचो बैग कहाँ है तुम्हारा। ओह नहीं नहीं नहीं, उसने हमारा कार्ड चुरा लिया, पर्स में सारे कार्ड और पैसे थे। क्या लूजर हो तुम, सब कुछ लेकर चला गया। सीरियसली, फ्रांस में इतने सारे कूल बंदे हैं और तुम बेवकूफ बनी एक स्कैमर से। मैं कैसे भूली। ठीक है, अब
साला जो भी है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चलो पकड़ते हैं उसे जाकर। रुको, मैं लड़के को कॉल करती हूँ, पुलिस के पास जाएंगे, कुछ हो जाएगा। आओ चलते हैं फिर। ऑफिसर हमें आपकी हेल्प चाहिए। बोनजोर, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? ऑफिसर हमें लूटा गया है, किसी लड़के ने हमारे दोस्त का बैग चुरा लिया और हमारे सारे के सारे पैसे उसी में थे। काफी बुरा हुआ, अगली बार ज्यादा केयरफुल रहना। क्या, तो क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो? मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूँ। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे? अब हम इटली कैसे पहुँचेंगे? कहीं से लिफ्ट ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या बैग चोरी हो गया और बस? वो हमारी हेल्प की कोशिश भी नहीं करने वाला है। तो अब क्या, हम पेरिस में बिना पैसे और बिना किसी प्लान के फंस गए हैं। एक ही ऑप्शन है, हम इटली के लिए लिफ्ट ले, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ। हेलो क्रिस, मैंने सब सामान लिया है, सब ठीक है। थैंक यू। बाजार में थैंक्स नहीं चलता, मुझे लूट का 50% चाहिए। अरे हम एक घंटे से यहाँ रुके हैं पर कोई भी नहीं रुक रहा है। पता नहीं कोई भी गाड़ी क्यों नहीं रुक रहा। कोई नहीं रुकने वाला, हम बहुत ज्यादा है, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम साथ में रहेंगे और दैट्स इट। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? हम यहाँ पर खड़े हैं और हम नाच रहे हैं। हे रिलैक्स दोस्तों, क्या लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हो? हाँ सही कहा, लेकिन तुम सबसे पहले रुके हो। हाँ कहाँ जाओगे? हम इटली जा रहे हैं। आ जाओ, हम तुम्हें लिफ्ट दे देंगे। क्या सच में तुम हमें ले चलोगे? टेंशन मत लो, हम पहले जर्मनी जा रहे हैं फिर इटली। शानदार, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे नहीं, सूटकेस यहीं पे छोड़ दो, हमारा ट्रेलर इतना बड़ा नहीं है। नहीं पर इसमें हमारा सारा सामान है ना। तो तुम आ रहे हो या नहीं? आ रहे हैं। हे जैक, जल्दी उठो। क्या हो गया? हम निकल रहे हैं, तुम रुकोगे या चलोगे हमारे साथ? हाँ चलूंगा ना, चलो चलो जाओ। तो इटली में जाना था, जर्मनी में क्या कर रहे हैं? आज हमारा यहाँ कॉन्सर्ट है, कल सुबह हम इटली जाएंगे। बाप रे, पता नहीं वो कैसा होगा। अरे सरा शांत हो जाओ, तुम्हारा इटालियन एडवेंचर बाद में भी हो सकता है। कल सुबह 10 बजे ट्रेलर तक पहुँच जाना और लेट मत होना, समझ गई? पता नहीं पैसे के बिना हम क्या करेंगे। हम कुछ कमाएंगे फिर यहाँ घूम सकते हैं। काम? मैंने पहले कभी काम नहीं किया, क्या हम सीधा घूमने नहीं जा सकते? लेकिन हम तो यूरोप में हैं, हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। चलो अलग हो जाते हैं हम तीनों। छोड़ो, हम कुछ सोच लेंगे हमारा, और तुम और जैक भी कुछ सोचो, कुछ सोचो। हाँ सोच लेंगे, सोच लेंगे। निकल जाओ तुम यहाँ से, भाड़ में जाओ तुम तीनों। इतना उदास क्यों हो तुम? उदास क्यों ना हो, फ्रांस में पैसे चोरी हो गए, यूरोप में आके फंस गए, इटली जाना था। ओह कम ऑन, इसके ब्राइट साइड को भी तो देखो, तुम्हें मैं जो मिल गई। हाँ ये तो सही कहा तुमने। तो चलो कुछ करते हैं एडवेंचरस। हाँ चलो फिर करते हैं, फिर आजा, चलो चलते हैं। मजा आएगा। तो लड़कियों, ओनर ने हमें सब चीजें दी हैं, ठीक है? हमारे पास 2 ट्रे और 1 कैप्रन है, किसे क्या करना है? मैं वेटर बनूंगी। ठीक है, मैं कुक बनने की कोशिश करूंगी, वैसे मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तुम कुछ कर लोगी, तुम बहुत ग्रेट हो। हमें तुम पर यकीन है। काश मैं खुद पर यकीन कर पाती। गुड आफ्टरनून, आपको क्या ऑर्डर करना है? मेरे लिए फ्राइड सॉसेज और थोड़ा जल्दी लाना। गुड आफ्टरनून, क्या आपने सोच लिया? हाँ, मेरे लिए चिप्स, वो भी 3 पैकेट्स। ओके, पूछ कर आओ कि ऑर्डर क्या है। फ्राइड सॉसेज और जल्दी, और चिप्स 3 पैक। ये तो बहुत अनहेल्दी है। हाँ, बहुत, वही बहुत। तो मैंने पहले ही सब फेंक दिया।
मुझे उम्मीद है उन्हें हेल्दी फूड से प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह, इतनी टेस्टी चीज को कौन ठुकराएगा। बॉल पास करो। ये क्या है? मैंने सॉसेज मंगवाए थे और ये चिप्स जैसे नहीं दिखते। हमें पुराने वेटर्स वापस चाहिए। हाँ, ये मैं नहीं खाऊंगा। चलो यहाँ से निकलते हैं लड़कियों। चलो जैक, चलो इन्हें कुछ तड़कता भड़कता देसी स्टाइल दिखाते हैं। हाँ चलो चलो, इन्होंने ऐसा देखा ना हो कभी, ऐसा डांस दिखाएंगे। ये क्या नौटंकी चल रही है? पता नहीं कहाँ से आ गए ये सारे। मैं हूँ मिया और क्रेजी विल से आई हूँ, और जज करने से बेहतर होगा हमारे नाचने के पैसे दे दो। इनका दिमाग खराब हो गया। हाँ सही कहा तुमने, यहाँ से चलते हैं। जाओ बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। एक भी रुपया नहीं मिला। विश्वास नहीं होता, फर्स्ट टाइम मेरा प्लान बिल्कुल भी काम नहीं किया यहाँ। और कोई दूसरा आइडिया है तुम्हारे पास? कोई आइडिया नहीं मेरे पास। अच्छा फिर ठीक है, चलो देखते हैं कि लड़कियों ने क्या किया होगा। ठीक है चलो चलते हैं। आ जाओ यार। लगता है अमीरों ने डॉलर कमाए डॉलर। चुप करो जैक, तुम्हारा कैश वाला सूटकेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों क्या, ऐसा कोई सूटकेस है ही नहीं हमारे पास। ये मुझे मेरी क्रेजी विल की याद दिला रहा। तो वहाँ क्या सब हेल्दी फूड खाते हैं? नहीं, मैं इसे गाय को खिलाती थी। हे, ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें कल निकलना है। हाँ ठीक है, हम ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी में बैठो चलते हैं। क्या तुम्हारा कॉन्सर्ट खत्म हो गया? कॉन्सर्ट फ्लॉप रहा, कोई भी नहीं आया। हाँ इतना अजीब गाओगे तो कौन आएगा? क्या बोला तुमने? तुझे अभी बताऊं? शांत रहो टायलर, अपना मुंह संभालो नहीं तो महंगा पड़ेगा। दोस्तों शायद हमें आज ही निकल जाना चाहिए। ठीक है चलते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। मिया मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ। तो तुम फ्री राइड एंजॉय कर रहे हो है ना, कंफर्टेबल तो हो? वो लिफ्ट के लिए थैंक्स। हाँ मुश्किल समय चल रहा है। तुम्हारे लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन यहाँ गैस खुद नहीं भरती है। नो, हमने सोचा ये एक फ्रेंडली जेस्चर था। कल सुबह 10 बजे ट्रेलर तक पहुँच जाना। दोस्तों हम तुम्हें तुम्हारे स्टॉपेज से पहले उतार रहे हैं। सुनो ना, शायद हमें इन्हें 100 बक्स दे देने चाहिए। अरे जेब में फूटी कॉल ही नहीं है, क्या करेंगे? अबे बाहर निकल, मेरे ट्रेलर से दूर हो जाओ गधों। रुक जाओ, हम तुम्हें बाद में पैसे दे देंगे। तुम लोग पैसे कहाँ से लाओगे? बॉय अब बाकी का रास्ता पैदल चल कर जाओ। ये सच में बहुत बुरा है। ये क्या बकवास है? क्या लोग थोड़ी सी दयावान नहीं हो सकते हैं? हाँ लोकल्स अपनी काइंडनेस के लिए जाने जाते हैं। हिम्मत मत हारो गाइस, कोई ना कोई आ ही जाएगा। लगता है हम नागरी आ गए, ऐसा देश जो कभी पहले था ही नहीं। पर हम पूरे तरह से आउट ऑफ कैश है। वो अब उनके जेब में 1-2 रुपल्ली बचा है, देखो। ओ, ये देखो मुझे भी कुछ सेंट मिले। हाँ मुझे भी। ओ, मेरे पास भी है। ठीक है फिर देखते हैं कि ये मिलाकर कितने पैसे बने हैं। सबका मिला के 50-60 डॉलर हैं। और हम इससे क्या खरीद सकते हैं? हमारी प्यारी मेहमानों वेलकम, आपका VIP सूट तैयार है। अरे वाह ये कितना चीप है। 50 डॉलर में मिलने वाली बढ़िया मसाज और बढ़िया सा स्वीट भी। $1.37 और नोवेरिया में ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये रहे आपके लॉबस्टर्स, और कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं थैंक्स, ये तुम्हारे लिए टिप है। ये देखो ये तो 10 सेंट है। मेरा काम हो गया, मैं अपना खुद का होटल खोल लूंगा इसे तो यार। और मेरा क्या? और तुम कौन हो? मैं इस होटल की मालकिन हूँ, और मुझे पूरे यूरोप में होटल चेन चलाना है।
ये तुम्हें खुद ही कमाना पड़ेगा। ये रहा हमारे पास ये आखिरी 10 सेंट हैं। हम इससे क्या ले सकते हैं? वाओ वाओ बढ़िया। वैसे हमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। खर्च करने के बजाय जाने की टिकट खरीदनी चाहिए थी। तो फिर अब क्या? ओके, अरे डरना मत करो यार, पहले देख तो ले यहाँ क्या क्या मिलेगा। ओ ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अरे देखो मुझे क्या मिला है। देखो ये चक्के हमें यूरोप के कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम पांचों को। अरे हाँ, मेरी एक मिलियनर गर्लफ्रेंड है जो कि इटली में रहती है और बड़े से बंगले में और सी व्यू के पास। सीरियसली? और अब तुम हमें बता रहे हो जब हम मुसीबत में हैं? हाँ ये बहुत गलत है। देखो पता नहीं ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, लेकिन हाँ मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर है और बड़े से बंगले में भी रहती है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलते हैं लड़कियों। ये तो बढ़िया है। चलो इटली चलते हैं, मजे करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो हम पहुंच ही गए। मुझे तो अभी से पिज्जा और लज़ानिया की खुशबू आ रही है। तो आप क्या किसी करोड़पति को ढूंढने वाले हो? हाँ। माफ करना लड़कियों, मैंने तुम्हें अभी भी सब कुछ नहीं बताया है। क्या हुआ है जैक? कुछ देश को लेकर कंफ्यूजन है या शायद वो है ही नहीं? नहीं नहीं, वो तो है बिल्कुल, लेकिन ऐसा है ना कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ तो ठीक है, हमें शुरू से बता सकते हो भाई। हाँ? इस बार तुमने क्या गड़बड़ी की है? शायद मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। थोड़ी? शायद जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी तो मैंने उससे कुछ गलत कह दिया था। तुम जानती हो क्या पिज्जा का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? जो पाइनएप्पल का बना होता है और उसमें जो सॉल्ट होता है ना, वो तो बढ़िया होता है एकदम। क्या तुम पाइनएप्पल के साथ पिज्जा खाते हो? ये कल्चर के इंसल्ट है सच में। अब तुम ये कहोगे कि पास्ता के तुम दो टुकड़े करते हो? अरे अरे ये पास्ता नहीं है तो सेवैया है। ये तो गलती से टूट गई मुझसे, मैं तोड़ता नहीं आमतौर पर। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? पास्ता को तोड़ना तो बहुत ही भयानक काम है समझे? अरे रुक जाओ यार, क्या हो गया? बाप रे गड़बड़ हो गई। तो तुमने सच में एक इटालियन को बताया कि तुम्हें पाइनएप्पल पिज्जा पसंद है? हाँ? और क्या, देखो वैसे मुझे पसंद है तो मैंने बताया फिर। ठीक है फिर चलो उसे ढूंढते हैं और बात करके मसला सुलझा लेते हैं। और क्या, तुम तो मूर्ख हो भाई, ये तो कल्चर का डिजास्टर है। जैक तुमने सारे चांसेस अपने बर्बाद किए हैं। क्रेजी विल में भी वो लोग स्पेगेटी को तोड़ते नहीं है। तो क्या हुआ, मुझे जैसे पसंद है वो वैसे पसंद है। सीरियसली हम यहाँ क्यों आए हैं? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बाप रे, पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। चिंता मत करो जैक, हम उन्हें ढूंढ लेंगे और तुम उससे ठीक कर लेना सब कुछ। दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। सच में हेल्प करोगे ना तुम लोग मेरी? वैसे भी हमारे पास कोई और प्लान नहीं है और पैसे भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो चलो तुम्हारे लिए पहले इटालियन ढूंढते हैं। हाँ तो जैक, हमने पूरा शहर ढूंढ लिया, कहाँ है ग्वेन? क्या वो गायब हो गई है? या शायद उसे पाइनएप्पल पिज्जा की स्मेल आ गई और वो भाग गई। अपनी बकवास बंद करो। मुझे भूख लगी है यार, चलो ना कहीं जाकर पहले खा लेते हैं कुछ। अरे अरे वो तो ग्वेन है। फाइनली जैक, जाओ, वो रहा तुम्हारा चांस। एक मिनट रुक जाओ यार, कोई प्लान नहीं है क्या हमारे पास? क्या तुम सीरियस हो? तुम अमेरिका से उड़कर आए हो, एक टूटे फूटे ट्रेलर में आधा यूरोप पार किया और एक स्केटबोर्ड पर, और अभी भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? वो, एक प्लान तो मेरे पास है,
हाँ, और क्या तुम हमें बताओगे? ठीक है, तुम रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ ऑर्डर करो और मैं पीछे से किचन में आता हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले कि तुम मेरे साथ हो। और हाँ, मेरे लिए स्पेगेटी लेकर आना। ठीक है लेके आता हूँ। तो तुम जा रहे हो या नहीं? और हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में बिना पैसों के ऑर्डर करेंगे कैसे? हाँ चलो अंदर चलते हैं, देखें कि कहीं मेरा भाई कुछ और गड़बड़ ना करे। चलो हम अंदर चल के देखते हैं। देखो उसे बिल्कुल नहीं पता कि क्या होने वाला है। वो क्या उम्मीद करेगी, एक लड़का जो इटालियन के बारे में कुछ नहीं जानता इटली आ जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ जैक का प्लान क्या होगा। अगर उसका प्लान फाइन एप्पल बनाने का है तो मैं बिल्कुल बाहर हूँ। अरे वो देखो जैक आ गया। ओ वाओ कितना क्यूट शेफ है ये जैक। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ आए कैसे? मैं तो यहाँ बड़ी मुश्किलों के बाद पहुँचा हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ग्वेन, मुझे तुम्हारे कल्चर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और ना ही स्पेगेटी को तोड़ना चाहिए था। नहीं मुझे ढूंढने दो। अच्छा ठीक है, मैंने फोन पर तुमसे बहुत ही घटिया बातें की थी तो फिर माफी नामा समझ कर इसे एक्सेप्ट करो और इसे ट्राई करके बताओ। चलो बोन एपिटी। रुक जाओ, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम समझ गए हो? हाँ मैं सब समझ चुका हूँ। वाओ लॉन्ग पास्ता और पिज़्ज़ा भी, कोई पाइनएप्पल नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें पाइनएप्पल पसंद नहीं है इसीलिए मैंने बिना उसके बनाया है। जैक ये तो सच में बहुत कमाल है। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ है जो तुमने सोचा तक नहीं है। वो सच में बहुत प्यारे हैं। पता चला कि जैक बिल्कुल भी पागल नहीं है। खुशी है कि अभी उसने कोई गड़बड़ नहीं किया है। क्या हम अब पिज्जा खा सकते हैं? क्या तैयार हुए भूल न पाने वाले रात बिताने के लिए? हम साथ में रहेंगे और दैट्स इट। कितना अच्छा है खाने में यार, पर इसमें पाइनएप्पल होता तो और अच्छा लगता। क्या यार, क्या कहा? मैं तो मजाक कर रही थी, रिलैक्स यार। बहुत बढ़िया, चलो फॉलो मी, जल्दी कराओ। इन मूर्खों ने इसे फ्लोर पर गिरा दिया। फिर से कर दे। और हाँ मेरे लिए स्पेगेटी लेकर आना। ठीक है ये लो टिप। थैंक यू। अरे वो तो ग्वेन है यार, तुमने उसे अंदर जाते हुए बिल्कुल देखा ना? क्या है ये लॉन्ग पास्ता?